तो आइए अब जो है हमारे यहाँ नाथा की कमी नहीं है, मुकर्रर की कमी नहीं है, और बात बस भूलना नहीं है इश्को मार्फत। इश्को मार्फत के मौजू पर ही अगर आप कलाम जब पढ़ने के लिए आए यहाँ पर, हम अपने नाथा से गुजारिश करेंगे तो इस उनवान को मत भूलिएगा, ठीक है? बाकी आप जितने नारे लगा लें तमाम औलिया अल्लाह रसूल पाक के मौला अली के जितने भी सलासल हैं सब के नारे लगा लें, लेकिन मौजू मत भूलिएगा इश्को मार्फत, यानी आपका कलाम इश्क और मार्फत से मुतल्लिक होना चाहिए, ज्यादा इधर उधर मत कीजिएगा, ठीक है? आइए अब हम अगले मुकर्रर को सुनना चाहेंगे आप कि अभी नाथ को सुनना चाहेंगे? नाथ, हाँ जी बिल्कुल सही बात, अभी माहौल नातिया, तो अरे भाई जब नातिया माहौल है तो अभी हमारे जिलानी भाई भी आए हुए हैं, बुलबुले बागे मदीना है, और नवादा भदौनी के समझ लीजिए कि नाथ के फील्ड के बहुत माहिर शख्स, इनको मैंने मधु किया, बेचारे गए हुए थे कहीं बाहर, अभी देखिए बेचारे आ ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको इनकी जो है इनकी सेवा ले लीजिए, मतलब इनके सेवा से हम लोग भारी बोले, तो इनको तो हम मधु करते हैं, फिर तो अभी और बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, तो इनको बुलाने के लिए ये कहना हम चाहते हैं कि करबला को भूलने वालों सुनो गौर, करबला को भूलने वालों सुनो गौर से, अभी इंतकाम शदीदुल उकाब बाकी है, तेग बातिल काट नहीं सकती जलालत सबीर, अभी इमाम हुसैन अलैहि सलाम का खताब बाकी है, कि रोएंगे गम चादर सैयदा को तब तक जब तक आंखों में आब बाकी है, और इन फकीरों के दिल के शीशे में हुस्ने अली अकबर का बाब बाकी है, हमें क्या हर्ज दुनिया की रंगीनी से, अभी नजर में कासिम का शबाब बाकी है, और अब्बास का आलम शाम में गड़ा हुआ है, आए मैदान में जिसमें ताब बाकी है, इमाम आरफीन की कुलूब में चमक रहा है, मोहम्मद का बारहवां महताब बाकी है, और कौन मिटा सकेगा जिक्र मजलिसे हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब सोच लीजिए कि जिस मजलिस में पहले ही इमाम हुसैन का नारा लग गया हो वो मजलिस बहुत खतरनाक होता, मतलब भूल से भी किसी आदमी को आज रात भर उठना ही नहीं, अगर कोई भूल से उठ गया तो समझ लीजिए कि आप हुसैनी है ही नहीं, इसलिए इज्जत बचाइएगा, और आपको रात भर हुसैन की मजलिस में रहना है और साबित करना है कि यू आर हुसैनी, आई एम हुसैनी, वी आर हुसैनी, नॉट यजीदी, ठीक है? आइए तो आखिरी का ये शेर देखते हुए जनाब जिलानी साहब का मधु कर दें कि कौन मिटा सकेगा जिक्र मजलिस हुसैन यहाँ जब तिलका वारिस किताब बाकी है, यानी रात बाकी है बात बाकी है, जैसे जैसे रात हम लोगों की गहरी होगी बात गहरी होगी, हिम्मत से बैठे रहिएगा जनाब जिलानी साहब, आइए एक बार दुरूद पाक के साथ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व हमदर्दान कौम मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। भैया आपको सलाम किया जा रहा है, चंदा नहीं मांगा जा रहा है, सलाम जब बुलंद आवाज से किया जाए जवाब भी वैसे ही दीजिए, ये इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख फिर होता है क्या, अभी तो शुरुआत में है, आप लोग पस्त हो रहे हैं, यहाँ जो आता है वो मस्त हो जाता है, पस्त तो होता ही नहीं। मैं फिर से आपको सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, जब कोई तगड़ा सलाम करे तगड़ा जवाब दीजिए, है ना, ताकि सुनने सुनाने का माहौल भी बने। और मेराज भाई कह लीजिए कि ये खानकाह है सरकार में हिंदी का, है ना, हम तो नहीं आ सकते मगर देखिए कर्म हो गया है, मेराज भाई गुफ्तगू अच्छी लग रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे भाई हजारीबाग से बहुत सारे शोर हजरात आए हैं, इंशाल्लाह जब हम सुनने के लिए आए हैं ना, सुनाना कम है सुनना ज्यादा है, जी लगाइए वाले हाला इश्क की जवलानियत के साथ। मगर एक बात मैं पहले बता देता हूँ, देखिए अगर इस बात में सदाकत होगी तो आप मानेंगे, डॉक्टर मेराज आलम कादरी, अब थोड़ा सा एक इशारा भी करके जा रहा हूँ आपको, तीन सेंटेंस है, माजी हाल मुस्तकबिल, इसको याद रखिए, मैं जो देख रहा हूँ डॉक्टर मेराज आलम कादरी को माजी का डॉक्टर है, ठीक है, अरे बोलो ना, माजी का डॉक्टर रहा है,
हाल इनका मास्टर रहा है, मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे आगे क्या होगा। एक मर्तबा तो रशीद पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सुफियाना मौलाना मोहम्मद बारी वसल्लम अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जितने चेहरे बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह शहर नवादा में लेके चले हैं, दिल क्या कहता है मुलाहिज़ा फरमाए। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा, या नबी सबको मदीना कब बुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। हजरत बदीउद्दीन उर्फ जिंदा मदार का एक गुलाम बैठा है, एक शेर मुलाहिज़ा फरमाए मोहब्बत के साथ कि फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमीन, फातिमा घर पर तेरे आए हैं जिब्रील अमीन, लगता है हसनैन को अरे झूला झूलाया लगता है हसनैन को झूला झूलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा। एक शेर है मेरे बड़े भाई की, शेर है मुलाहिज़ा फरमाए मोहब्बतों के साथ बोलिए ना एक बार सुभान अल्लाह। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, देखते हैं वो शेर का कैसे इस्तकबाल करते हैं मुलाहिज़ा फरमाए। दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, या नबी हमको मदीना कब बुलाया के दादा की ले ले जगह। अब तो बोलिए ना मोहब्बत। अरे दादा की ले ले जगह, जो दादा के जाने के बाद। अब बोलना यार मोहब्बत से। अरे दादा की ले ले जगह, जो अरे दादा के जाने के बाद ऐसे पोते को। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। के ऐसे पोते को सुनो कांधा बिठाया जाए, तक रुलाया जाएगा, दिल को दर्द हिजर में कब तक रुलाया जाएगा, या नबी हमको मदीना कब बुलाया जाएगा। बस एक शेर और सुन लीजिए, एक ही शेर है मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए। मेरे बहुत सारे मेहमान चचा शमशाद वारसी बैठे इंशाल्लाह, ये भी अच्छी आवाज देते हैं।
मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाइए, एक मरतबा मोहब्बत के साथ बोल दिए ना सुभान अल्लाह। मेरा जो दिल कर रहा है ना, मेरा भाई का तो कुछ कहे या ना कहे, मेरा दिल कर रहा है, बोला था फरमा मोहब्बतों के साथ। कि सरकार में हिंदी, कि सरकार मीम हिंदी, सरकार मीम हिंदी, सरकार मीम हिंदी, सरकार मीम हिंदी, नजरे करम दोबारा, सरकार मीम हिंदी, सरकार मीम हिंदी, कि सरकार मीम हिंदी, नजरे करम दोबारा, सरकार मीम हिंदी, नजरे नजरे करम दोबारा। अरे मेरा खाली झोली भर दे, मेरा खाली झोली भर दे, मेरा खाली झोली भर दे, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मेरा खाली झोली भर दे, मेरा खाली झोली भर दे, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार मीम हिंदी।